नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 15 जून है। साल के छठे महीने का ये 15वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। रक्तदान, रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले पूर्ण रूप से मानव रक्तदान फ्रांस के सम्राट लुई 14 के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने आज ही के दिन यानी 15 जून साल 1667 में किया था। उन्होंने एक भेड़ का रक्तदान एक 15 साल के लड़के में किया जो रक्तदान के बाद जीवित बच गया था। बता दें, बाद में डेनिस ने एक मजदूर का भी रक्तदान किया और वो भी जीवित बच गया। रक्तदान का उपयोग रक्त संबंधी बीमारी से जुड़ी हुई गंभीर रक्त की कमी का उपचार करने के लिए किया जा सकता है। जॉर्ज वॉशिंगटन आज ही के दिन यानी 15 जून 1775 में अमेरिकी युद्ध की स्वतंत्रता के दौरान महाद्वीपीय बलों के चीफ के कमांडर बने थे। उनका चयन सर्वसम्मति से हुआ था। बता दें, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने। आपको बता दें कि जॉर्ज वॉशिंगटन को राष्ट्र का पिता और रिपब्लिकन लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी छवि व्यापक रूप से संयुक्त राज्य भर में सिक्के और मूर्तियों पर प्रदर्शित की जाती है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता भारत में स्थित है और यह दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आज के दिन साल 1908 में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बता दें, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भारत का दूसरा सबसे बड़ा बोर्स है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को सेबी द्वारा बाहर निकलने के लिए कहा गया है, लेकिन मामला कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष है। जबकि अन्य 13 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज सेबी की निकास नीति के तहत पिछले 3 वर्षों में बंद हो गए हैं, जिनमें बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। वुड्रो विल्सन अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। विल्सन को लोक प्रशासन के प्रकारों की व्याख्या करने वाले अकादमिक विद्वान, प्रशासक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। बता दें, आज के दिन यानी 15 जून साल 1916 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रपति चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण अमेरिका के बॉय स्काउट्स का निर्माण हुआ। 15 जून साल 2012 में हजारों दर्शकों की तालियों के बीच अमेरिका के निक वालेंदा ने नियाग्रा फॉल रस्सी पार की। इसी के साथ उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले व्यक्ति बने। बता दें, नियाग्रा फॉल से आती पानी की बौछारों के बीच निक ने 2 इंच चौड़ी रस्सी पर चलते हुए ये जलप्रपात पार किया। 200 फीट यानी 60 मीटर की दूरी उन्होंने इस रस्सी पर तय की। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।